अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लिस्ट और फॉर लूप। चलिए ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डेटा साइंस बैच का मैंने फोल्डर बनाया था, फिर पाइथन फंडामेंटल फॉर डेटा साइंस, ये में हमने लास्ट टू क्लासेस में ये दो फाइल्स पढ़ी थी। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पाथ पे मैं लिखूँगा CMD और यहाँ पे जुपिटर नोटबुक। ओके, तो ये मेरे पास जुपिटर नोटबुक ओपन हो जाएगी। आज का हमारे पास टॉपिक है क्या, लिस्ट ऑफ फॉर लूप। ठीक है, और हमारा टॉपिक नंबर ये है 3। और क्या है हमारे पास, लिस्ट एंड फॉर लूप। ठीक है, अच्छा अभी तक हम लोगों ने कितनी डेटा टाइप्स पढ़ ली हैं, 3 डेटा टाइप्स पढ़ ली हैं। कौन कौन सी, इंटीजर, फ्लोट और स्ट्रिंग। चलें इन 3 वेरिएबल्स का, 3 डेटा टाइप्स के 3 वेरिएबल्स बना लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया एम्प्लॉय नेम अली और एम्प्लॉय एज 23 और एम्प्लॉय सैलरी कितनी हो गई हमारे पास 25,000.0। ये हमने 3 वेरिएबल्स बनाए, सही है। एम्प्लॉय नेम में कौन सी वैल्यू हमने, कौन सी डेटा टाइप स्टोर कराई है, स्ट्रिंग अली, ठीक है, और एम्प्लॉय एज इंटीजर 23 और सैलरी क्या है हमारे पास, एम्प्लॉय सैलरी 25,000.0 फ्लोट वैल्यू, वो हमने एम्प्लॉय सैलरी में कहा। इसको मैं रन कर देता हूँ। अब ये बात याद देखो, यहाँ पे कुछ नंबरिंग लिखी भी नहीं आ रही, जो सीरियल नंबर जो आ रहे होते हैं यहाँ पे नहीं लिखे हुए आ रहे। क्यों, क्योंकि ये अभी सेल रन नहीं है। अब ये पहला सेल रन होगा तो इसने काउंट कर लिया पहला सेल रन हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से आपको पता चलता है यहाँ पे कितनी दफ़ा सेल रन हो रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद मैं इन तीनों वैल्यूज़ को प्रिंट भी करा लेता हूँ। एम्प्लॉय एज को मैंने यहाँ पे कॉल कराया तो इसका मतलब अली कॉल हुआ। एम्प्लॉय सैलरी को यहाँ पे मैंने कॉल कराया, एम्प्लॉय एज को कॉल कराया तो यहाँ पे 23 कॉल हुआ, और एम्प्लॉय सैलरी को कराया तो यहाँ पे 25,000.0। तो मेरे पास अली 23 और 25,000.0 आ रहा है। अच्छा, अब बात करते हैं ये कि सपोज़ कि मेरे पास मेरी एक कंपनी है, ठीक है, और उस कंपनी में मेरे पास है 300 एम्प्लॉयज़। ठीक है, अब वो मैं 300 एम्प्लॉयज़ के हर हर एम्प्लॉय का मैं नेम चाहता हूँ, एज चाहता हूँ और सैलरी चाहता हूँ। मतलब हर एम्प्लॉय की नेम, एज, सैलरी होगी, और मेरे पास नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने हैं, 300। तो मतलब एक एम्प्लॉय के लिए मुझे 3 वेरिएबल्स बनाने की ज़रूरत है। तो तकरीबन मेरे पास क्या, 3 वेरिएबल हर एम्प्लॉय के लिए बनाऊंगा, और कितने एम्प्लॉयज़ हैं मेरे पास, 300। तो मुझे तकरीबन 900 वेरिएबल्स बनाने पड़ जाएंगे, और सारे वेरिएबल्स यूनिक भी होने चाहिए। ठीक है, वरना क्या होगा, अगर मैं एम्प्लॉय नेम दोबारा लिखूंगा तो वो इसमें ही अपडेट कर देगा, इसी वेरिएबल को अपडेट कर देगा। तो सारे वेरिएबल यूनिक भी होने चाहिए और मेरे पास 900 वेरिएबल्स बनेंगे। तो इसका मतलब हमारी जो मेमोरी है वो ज़्यादा ऑक्यूपाई हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग डेटा साइंटिस्ट, इतनी मेमोरी तो हम लोग ऑक्यूपाई नहीं करवाएंगे, सही है। तो हमारे पास एक होता है लिस्ट डेटा टाइप। ठीक है, लिस्ट डेटा टाइप क्या होती है, लिस्ट हमारे पास हेट्रोजीनियस डेटा टाइप होती है। ठीक है, हेट्रोजीनियस डेटा टाइप का मतलब ये होता है कि लिस्ट ना, लिस्ट जो है डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा होल्ड कर सकती है। मतलब लिस्ट के अंदर आप एक इंटीजर वैल्यू, फ्लोट वैल्यू और स्ट्रिंग वैल्यू भी डाल सकते हो। अभी हम लोगों ने ये 3 बेसिक डेटा टाइप्स पढ़ी, तो हम लोग इसी पे लिस्ट को लेके चलेंगे। आगे जाके मैं और बताऊंगा कि लिस्ट कौन कौन सी डेटा टाइप भी होल्ड कर सकती है, लेकिन अभी आप ये देखो, एक लिस्ट इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग डेटा टाइप होल्ड कर सकती है। ठीक है, और अभी देख लेते हैं कैसे करते हैं, अगर आपको ऐसा समझ नहीं आया तो आप एग्जाम्पल से समझ लो। अब देखो, मैंने यहाँ पर लिखा है एम्प्लॉय 1, ठीक है, इक्वल टू, और लिस्ट के लिए हमारे पास क्या होता है, ये बॉक्स ब्रैकेट। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, बॉक्स ब्रैकेट। बॉक्स ब्रैकेट से हमें क्या पता चलता है कि ये एक लिस्ट डेटा टाइप है। इंटीजर की वैल्यू कैसे आपको पता चलती थी, कि वो होल नंबर में होती थी। फ्लोट की कैसे पता चलती थी, कि ये पॉइंट्स में होती थी। स्ट्रिंग का कैसे पता चलता था, कि वो डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में होती थी। इसी तरीके से लिस्ट का कैसे पता चलता है, कि वो बॉक्स ब्रैकेट में होती है, सही है। अब इस बॉक्स ब्रैकेट में ना हम लोग मल्टीपल वैल्यूज़ दे सकते हैं, और उस मल्टीपल वैल्यूज़ की जो डेटा टाइप्स हो सकती हैं वो इंटीजर भी हो सकती है, फ्लोट भी हो सकती है, स्ट्रिंग भी हो सकती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया, सॉरी एक वैल्यू डाली दानिश और कॉमा 21 और उसकी सैलरी डाल दी।
ठीक है, अब देख रहे हो यहाँ पे मैंने जो दानिश डाला है, ये मेरे पास क्या है, एक स्ट्रिंग वैल्यू है, इंटीजर स्ट्रिंग वैल्यू को भी होल्ड कर लेते हैं, और कॉमा, अगर आपको दूसरी वैल्यू इसी लिस्ट में देनी है तो 21,50,000.0। एक काम ये होता है कि मल्टीपल वैल्यूज़ हम लोग स्टोर करवा सकते हैं लिस्ट में, और मल्टीपल डेटा टाइप्स के थ्रू। अब यहाँ पे हम लोग को क्या है, यहाँ पे हम लोगों ने तीन वेरिएबल्स बनाए थे, और यहाँ पे देखो हमने एक ही वेरिएबल बनाया लिस्ट का, और उसके अंदर मैंने तीन वैल्यूज़ डाल दी, जो यहाँ पे हमने नेम, एज और सैलरी डाली थी, और यहाँ पे भी हमने नेम, एज, सैलरी डाली थी। अब इसका मतलब मेरे पास 300 एम्प्लॉयज़ हैं, तो मुझे 300 वेरिएबल्स बनाने की ज़रूरत है, मुझे 900 वेरिएबल्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो मेमोरी कम ऑक्यूपाई होगी, बिल्कुल। अब देखें, अब मैं इसको ज़रा प्रिंट करवा लेता हूँ, एम्प्लॉय 1। तो देख रहे हो मेरे पास दानिश 21 और 50,000.0 आ रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग ये कि हमारे पास होती है, इसकी टाइप भी चेक कर लेते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे लिखें, सॉरी कोड पे कर दें, अब मैंने यहाँ पे इसकी टाइप चेक करना, पहले तो प्रिंट, उसके बाद टाइप, और टाइप में मैं क्या डालूँगा, एम्प्लॉय 1। तो ये मुझे क्या बता देगा, इसकी टाइप बता देगा, ये वेरिएबल किस टाइप का है। ठीक है, तो इसके अंदर जो वैल्यू हमने स्टोर कराई है उसकी डाटा टाइप क्या है, तो उसने बता दिया ये क्लास लिस्ट से बिलोंग करता है। ठीक है, अब हमारे पास बात ये आ जाती है कि ये तो हमारे पास हो गई एक लिस्ट। ठीक है, अब मेरे पास आ गए 300 एम्प्लॉयज़ हैं। जैसे अगर मैं एक और एम्प्लॉय बना देता हूँ, एम्प्लॉय 2, और इधर मैं दे देता हूँ, और इसी के अंदर मैंने जो यहाँ पर जो वेरिएबल बनाए हैं इन्हीं को मैं यहाँ पर कॉल कर लूँ। अगर देखो मैंने एम्प्लॉय नेम यहाँ पर किया कॉल, तो इसका मतलब यहाँ से अली यहाँ पर आ गया। ठीक है, इसी तरीके से एम्प्लॉय एज और एम्प्लॉय सैलरी। ठीक है, ये मुझे लगता है आपको समझ आ रही होगी जो मैं यहाँ पे कॉलिंग कर रहा हूँ। अगर नहीं भी आ रही तो मैं बार बार इसलिए भी करा रहा हूँ कि आप इसको यूज़ टू और इसको इसके कॉन्सेप्ट क्लियर करें अपने पास। ठीक है, और मैंने इसको प्रिंट करवा लिया एम्प्लॉय 2 को। ठीक है, तो अगर एम्प्लॉय 2 को अगर मैं प्रिंट कराता हूँ, तो देखो अली 23 और 25,000.0, ये वाली वैल्यूज़ आ गई हमारे पास जो यहाँ पे थी। ठीक है, वो हमने इस लिस्ट में कॉल करा ली। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अच्छा चलो, अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग दो और बना लेते हैं वेरिएबल्स। ठीक है, हम लोग दो वेरिएबल्स और क्या बना लेते हैं, एम्प्लॉय 3 के नाम से बना लेते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं अलीज़ा, और इसकी सिर्फ सैलरी डाल देते हैं 15,000.0। ठीक है, और इसको प्रिंट करा के चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पर आ गई एक और मैं वेरिएबल बना रहा हूँ, एम्प्लॉय 4 इक्वल टू आयशा, और इधर मैंने उसकी सैलरी डाल दी 20,000.0। ठीक है, और इसको भी मैंने प्रिंट करवा लिया। ठीक है, एम्प्लॉय 1। ठीक है, अब आपके जो मैनेजर है या हाँ बॉस है, उसने बोला मुझे एम्प्लॉय 1 की सैलरी बता दो। तो इसका मतलब आप क्या करोगे, आप ये पूरा का पूरा उसका डॉक्यूमेंट उठा के लेके चले जाओगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे प्रिंट 1 एम्प्लॉय 1 किया, तो ये तो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट हो गया, लेकिन आपके बॉस ने आपसे सिर्फ क्या मांगा है, उसकी सैलरी ही मांगी है। सही है, तो लिस्ट के पीछे ना एक ऑर्डर वाइज इंडेक्सिंग चल रही होती है। ठीक है, ऑर्डर वाइज इंडेक्सिंग क्या होती है, जो ये जो वैल्यू है ना, इस वैल्यू के पीछे कुछ ना कुछ इसके इंडेक्स दिया हुआ है। ठीक है, जो बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन खुद दे देता है। ठीक है, अब इंडेक्सिंग स्टार्ट कैसे होती है, इंडेक्सिंग जो पहली वैल्यू होती है ना, वो इस पे 0 से स्टार्ट होती है। मतलब जो दानिश है ये 0 पर है। सही है, जो 21 है ये 1 पर है, और ये जो 50,000.0 है ये 2 पर है। इंडेक्सिंग स्टार्ट किस पे होती है, 0 से होती है, और उसकी डायरेक्शन जो होती है, अभी ये वाली जो हमने पॉजिटिव इंडेक्सिंग है, ये हम लोग इसकी डायरेक्शन क्या होती है, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो ये क्या है, 0, 1, 2। अब आपके जो मैनेजर है उसने बोला कि मुझे इसकी सिर्फ सैलरी चाहिए, तो सैलरी कौन से इंडेक्स पर है, 0, 1, 2, तो 2 पर है। तो इंडेक्सिंग के लिए ना हमें बॉक्स ब्रैकेट देना होता है। सही है, इस बॉक्स ब्रैकेट के अंदर मैंने 2 डाल दिया, तो इसका मतलब ये इंडेक्स नंबर है। अब इस इंडेक्स नंबर पे जो वैल्यू रिलाई करती होगी ना, वो ये प्रिंट फंक्शन उसको प्रिंट करा देगा। तो ये देखो मेरे पास आ गया 50,000.0। ठीक है, अब इसी तरीके से अब मैंने बात करी कि एम्प्लॉय
आपके बॉस ने बोला है एम्प्लॉय फोर की मुझे एम्प्लॉय फोर जो है उसका मुझे नेम बता दो, ठीक है। तो मैं हम गया क्या करूँगा, एम्प्लॉय फोर और उसके इंडेक्स नंबर मैंने यहाँ पे डाल दिया 0, ठीक है, और इसको मैंने करा दिया प्रिंट, ठीक है। अब यहाँ पे आयशा प्रिंट हो गया, ठीक है। अब यहाँ तक तो बात क्लियर है आपको। अब बात कुछ ऐसे आती है कि मैं यहाँ पर चाह रहा हूँ कि मुझे मिल जाए, मुझे इस इन सब का ना मुझे क्या करना है। अब आपका जो बॉस है उसने बोला कि मुझे ना सब के ये जो सारे हैं हमारे पास, ये जो एम्प्लॉयज़ हैं चारों, इनमें सबके जेंडर डाल के लेके आओ। देखो इधर एम्प्लॉय फोर में भी जेंडर नहीं है, एम्प्लॉय थ्री में भी नहीं है, तो एम्प्लॉय वन में भी नहीं है, और एम्प्लॉय टू में भी हमारे पास जेंडर मौजूद नहीं है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि बोलते हैं कि एम्प्लॉय वन में हमें जेंडर ऐड करवाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इधर जाए एम्प्लॉय वन में जाएंगे, फिर यहाँ पे जाके हम लोग कॉमा सेपरेट करके यहाँ पे मेल लिखेंगे। ऐसे कर सकते हैं लेकिन ये एफिशिएंट तरीका नहीं है। इसका मतलब आपके पास 300 एम्प्लॉयज़ हैं, तो आप क्या करोगे, एम्प्लॉय वन के एम्प्लॉय वन जहाँ पे आपने वो लिस्ट बनाई हो उधर उस कोड पे जाओगे और उस कोड में जाके ऐड करोगे? नहीं, हमारे पास ना लिस्ट के कुछ मेथड होते हैं, सही है। एक हमारे पास इसी तरीके से एक मेथड है डॉट अपेंड, ठीक है। अब यहाँ पर ज़रा देखो, अब मैंने यहाँ पे लिखा एम्प्लॉय वन, ठीक है। अब एम्प्लॉय वन को मैंने यहाँ पर कॉल कराया, अगर मैं प्रिंट कराया के चेक भी करा लूँ कि हमारे पास डाटा सही उठ के आया है, तो देखो मेरे पास यहाँ पे सही डाटा उठ के आया है, जो एम्प्लॉय वन आ गया, ठीक है। इसी के ऊपर काम कर लेते हम लोग। अब देखो मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय वन, अब मुझे यहाँ पर इसके आगे जेंडर अपेंड करवाना है, मतलब ऐड करवाना है, तो हमारे पास एक मेथड है डॉट अपेंड का, ठीक है, ये लिस्ट का मेथड है, ठीक है। अब मैंने लिखा एम्प्लॉय वन डॉट अपेंड, अब इस अपेंड इस पैरेंथेसिस के अंदर मैं कुछ भी लिखूंगा तो वो यहाँ पर अपेंड हो जाएगा। मुझे एक स्ट्रिंग वैल्यू अपेंड करवानी है तो मैंने डबल कोट में मेल लिख दिया, ठीक है। तो अब मैं इसको रन करूँगा, तो इस सेल को दोबारा रन कर रहा हूँ मैं, तो ये देखो यहाँ पर मेरे पास एक वैल्यू अपेंड हो गई, ठीक है। इसी तरीके से मैं अगर एम्प्लॉय टू का करूँ, मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पर, एम्प्लॉय टू भी हमारे पास आई थिंक सो के मेल है, ठीक है, एम्प्लॉय टू मेरे पास अली मेल है, ठीक है, और यहाँ पे एम्प्लॉय टू, ठीक है। तो देख लो मेरे पास यहाँ पर भी अपेंड हो गया, ठीक है। अब एम्प्लॉय थ्री मेरे पास फीमेल है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एम्प्लॉय थ्री डॉट अपेंड फीमेल, ठीक है, और एम्प्लॉय थ्री। अब देख रहा हूँ यहाँ पे मेरे पास फीमेल भी अपेंड हो गई, ठीक है, और यहाँ पे मैं एम्प्लॉय फोर के लिए भी यही काम कर लेता हूँ, ठीक है। ये मुझे आगे ज़रूरत पड़ेगी, इस वजह से मैं सब पे अपेंड करके आपको दिखा भी रहा हूँ और आगे हमें इसकी ज़रूरत भी पड़ने वाली है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास अपेंड हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं कि हमारे पास ये सारी अपेंड हो गई, आपको मैंने एक इंडेक्सिंग बताई थी कि ये थी हमारे पास पॉजिटिव इंडेक्सिंग, जिसकी डायरेक्शन क्या होती है, लेफ्ट टू राइट, ऐसे ही है। अब हमारे पास एक और इंडेक्सिंग होती है नेगेटिव इंडेक्सिंग, ठीक है। मैं दोनों को यहाँ पे मार्क डाउन कर देता हूँ पहले, मार्क डाउन, ठीक है, और मैं एक हेडिंग बनाता हूँ हैश स्पेस, अब मैंने यहाँ पे लिखा हैव टू टाइप ऑफ इंडेक्सिंग, ठीक है। कौन कौन सी, पहली टाइप हमारे पास होती है पॉजिटिव, जो हमने ऊपर अभी देखी भी है, ठीक है, पॉजिटिव इंडेक्सिंग। अब और वो स्टार्ट कहाँ से होती है, डेट स्टार्ट्स फ्रॉम ज़ीरो, और उसकी डायरेक्शन क्या होती है, वो जो हमारी इंडेक्सिंग चल रही होती है वो कैसे चल रही होती है, लेफ़्ट टू राइट चल रही होती है, ऐसा ही है, लेफ़्ट टू राइट, ठीक है। क्योंकि अगर इसमें देखो, अगर इसमें पॉजिटिव इंडेक्सिंग कैसे देखें तो 0 1 2, और इसकी डायरेक्शन क्या है, लेफ़्ट टू राइट, देख रहे हो, लेफ़्ट टू राइट 0 1 2, सही है। अब इसी तरीके से हमारे पास है एक नेगेटिव इंडेक्सिंग टिफ, और ये स्टार्ट्स कहाँ से होती है, ये स्टार्ट होती है हमारे पास -1 से, ठीक है, और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, राइट टू लेफ्ट,
ठीक है। अच्छा अब मैं इसी लिस्ट, ये जो लिस्ट प्रिंट करी हुई है मैं इसी में आपको बता रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको आगे करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। अब देखो ये जो हमने पॉजिटिव, तो ऐसे 0 1 2 लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन है, लेकिन नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या है, -1 माइनस, अब क्या है, और उसकी डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट, मतलब लेफ्ट राइट टू लेफ्ट, ठीक है। अब देख रहे हो राइट टू लेफ्ट मतलब यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, फीमेल से स्टार्ट होगी और आयशा तक जाएगी, और इसकी इंडेक्सिंग कैसे होगी, ये होगी फीमेल जो है ये -1 पर है, 20,000.0 ये -2 पर है, और आयशा किस पे है, -3 पर है, सही है। अब बात आपके दिमाग में ये भी बात आ रही होगी कि हमारे पास दो किस्म की इंडेक्सिंग क्यों दी गई है, जब हम लोग नेगेटिव से भी और पॉजिटिव से भी हम लोग एक ही चीज़ फेच कर रहे हैं। अगर बात आती है कि ना, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 0, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ Employee 1, और इसको मैं प्रिंट करवा लेता हूँ Employee 1। अब यहाँ पर देखो, अगर मुझे दानिश को फैच करना है, तो ये मेरा दानिश कौन से इंडेक्सिंग पर है, 0 पर है, तो मैंने यहाँ पे लिखा 0, तो ये मेरे पास दानिश आ रहा है, ठीक है। अब बात आती है कि मुझे नेगेटिव इंडेक्सिंग से चेक करना है कि दानिश किस पे है, -1 -2 -3 -4, ये हो गया -4, ठीक है। अब बात ये भी आ रही है ना, जब हम लोग वो पॉजिटिव से भी फैच कर सकते हैं और नेगेटिव से भी फैच करते हैं, तो क्यों दी गई है दो नेगेटिव, ये दो इंडेक्सिंग क्यों दी गई है, वजह यह है कि अब जब आप रियल वर्ल्ड डाटा पे काम करते हो ना, तो उसके अंदर कॉलम्स भी बहुत सारे होते हैं। अगर सपोज के एक आ गई हमारे पास टोटल सैलरी का लास्ट कॉलम है, और वो 12th इंडेक्स पे रिलाई करता है, मतलब पॉजिटिव से 12th इंडेक्स पे रिलाई करता है, तो और आपको पता नहीं है उसका इंडेक्स नंबर, तो आप गिनते हुए जाओगे 0 1 2 3 4 5 6 7 फिर सो ऑन, या आप डायरेक्ट करोगे -1, तो माइनस, आपको पता है कि लास्ट इंडेक्स हमारे पास टोटल सैलरी का है, तो हमने लिखा -1, तो मेरे पास लास्ट वाली वैल्यू हमारे पास फैच होके आ गई, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड लास्ट होगी तो -2 कर देंगे। एक तरीका तो ये है कि हमारे पास सेम, हम लोग पॉजिटिव से भी हम लोग उस वैल्यू को फैच कर सकते हैं और नेगेटिव से, लेकिन कहीं कहीं ऐसी कंडीशन आ जाती हैं जहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव इंडेक्सिंग ही लग रही होती है या सिर्फ नेगेटिव ही लग रही होती है, वो भी हम लोग यहाँ पे कंडीशन बना के मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अब मैं ज़रा एक और काम कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं Employee 2 का किया है, अगर मैं Employee 2 की मैं यहाँ पे सैलरी को फैच करना चाहूँ पॉजिटिव इंडेक्सिंग से, तो 0 1 2, तो यहाँ पे हमारे पास इंडेक्स 2 पे रिलाई कर रही है, तो 2, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव इंडेक्सिंग से करना चाहूँ, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, अब देखो अब ये आ गया, अब मैंने यहाँ पे लिखा -2, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा रन कर रहा हूँ, शिफ्ट एंटर मैंने दोबारा रन किया, तो देखो -2 से भी, अब नेगेटिव से भी हमारे पास फैच हो गई और पॉजिटिव से भी हमारे पास वैल्यू फैच हो गई, ठीक है। अच्छा अब बात कर लेते हैं, ये तो हो गई एक सेपरेट सेपरेट वैल्यूज़ की बात ना, कि हम लोग एक एक वैल्यूज़ यहाँ से हम लोग उसको फैच कर लेते हैं, ठीक है। अब ज़रा अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ Employee 2, सॉरी प्रिंट Employee 2। अब बात होगी आपके जो मैनेजर है या बॉस कह लो आप, उसने ये बोला कि मुझे Employee 2 की एज एज सैलरी और उसका जेंडर बता दो, तो आप क्या करोगे, ऐसे करोगे, अगर ऐसे ही एक पूरी वैल्यूज़ अगर साथ में लिखी हुई हैं, तो आप क्या करोगे, आप ऐसे लिखते हुए जाओगे ये किस पे है, एज किस पे है हमारे पास है 1 पर है, ठीक है, कॉमा Employee 2, फिर ये सैलरी किस पे है 2 पर है, ठीक है, फिर कॉमा, फिर हमने यहाँ पे किया सॉरी Employee 2, और यहाँ पे 3 या -1 -1 डाल दिया, तो ये मेरे पास आ गया 23 और 25,000.0 और मेल, ठीक है, ऐसे करोगे, लेकिन ये एफिशिएंट तरीका नहीं है। अगर ऐसे ही हमारे पास 10 वैल्यूज़ और होती, तो आप क्या करते कि आपको एक सेपरेट सेपरेट वैल्यूज़ करते, सेपरेट वैल्यूज़ आप जब कर सकते थे कि जब आपको एक वैल्यू चाहिए हो, या आपको दो वैल्यूज़ चाहिए जो एक पहले स्टार्टिंग में है और बिल्कुल एंड में, तो इंडेक्सिंग समझ आती है, लेकिन आपको जब मल्टीपल वैल्यूज़ चाहिए ना, तो उसके लिए हमारे पास होती है स्लाइसिंग, ठीक है। अब स्लाइसिंग काम कैसे करती है, तो मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैंने यहाँ पे लिखा Employee 2, तो अब देखो ये तो मुझे पूरी की पूरी लिस्ट दे रही है, अब मुझे कहाँ से स्लाइसिंग करनी है, इस दर से करनी है, एज से मुझे मेल तक चाहिए, ठीक है, तो मुझे यहाँ पर बताओ
एज मेरे कौन से इंडेक्स पर है, वन पर है, ठीक है। अभी मैं वन पे करूँगा तो मुझे सिर्फ जाहिर सी बात है 23 दे देगा, लेकिन मुझे इसके आगे की वैल्यूज़ भी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्लाइसिंग का मतलब होता है यहाँ पे आप डालते हो कॉलन, सही है, यहाँ पे मैंने डाला कॉलन, और उसके बाद मुझे कहाँ तक वैल्यू चाहिए, ठीक है। पहले मैंने यहाँ पे बता दिया स्टार्ट, इधर होता है ये स्टार्ट, और कॉलन के बाद होता है कि आपको एंड किस किस पे करना है, ठीक है। स्टार्ट तो मैंने बता दिया कि मुझे वन से चाहिए, तो वन पे हमारे पास 23 है, और मुझे एंड किस पे करना है, जैसे 1 2 3। अगर मैं यहाँ पे 3 लिखूँगा ना, तो देखो कुछ गड़बड़ होगी, यहाँ पे देख रहे हो गड़बड़ी हो गई कि हमारे पास मेल नहीं आया। वजह मेल क्यों नहीं आया, वजह मेल इसलिए नहीं आया क्योंकि ये जो एंड वाली वैल्यू होती है ना, जिस पे एंड हो रहा होता है, तो ये जो स्लाइसिंग है ना, एंड वाली वैल्यू को वो डिसोन कर देता है, मतलब वो उसको फैच नहीं करता। मतलब ये जो वैल्यू दिखाई गई है, ये 1 और 2 में दिखाई गई है, क्योंकि 3 उसने डिसोन कर दिया है, 3 वाली वैल्यू उसने नहीं दिखाई। अगर मुझे 3 को दिखाना है तो मैं यहाँ पर 4 लिखूँगा, ठीक है। अभी इसकी जो डेफिनेशन है ना, वो थोड़ी अलग है और कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा ऐसा क्यों है, सही है। अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे, जैसा अभी मैंने आपको बताया है आप वैसे ही रखो। देखो अब मैंने यहाँ पे लिखा था एम्प्लॉय, एम्प्लॉय जो 2 थी उसको मैंने 1 से स्टार्ट किया, 1 2 3, ठीक है, 3, और 4 वाली जो वैल्यू हमारे पास वैसे भी नहीं थी, अगर होती भी तो वो डिसोन कर देता, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आई, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे दोबारा, एम्प्लॉय 2 को मैंने दोबारा फैच किया। अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे यहाँ तक की वैल्यू चाहिए, मतलब नेम से लेके और 25,000 तक चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर स्लाइसिंग करूँगा, ठीक है। मैं पहले कॉलन डाल देता हूँ, अब कॉलन से मतलब स्टार्ट वाली वैल्यू और एंड वाली वैल्यू। अब मैं सब पहले एंड वाली वैल्यू डाल देता हूँ, ठीक है। एंड किधर किस पे करना है मुझे, 0 1 2 और 3, मतलब 3 डालूँगा, 0 1 2, मुझे इधर तक चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पर क्या डालूँगा, 3, ठीक है। और मुझे स्टार्ट किस पे करना है, 0 से करना है, मतलब स्टार्ट 0 से करना है। अगर आपको स्टार्टिंग से स्टार्ट करना हो ना, तो यहाँ पे आप 0 ना भी लिखो ना तो कोई इशू नहीं है, वो 0 से ही स्टार्ट करेगा। देखो यहाँ पे इसने 0 तक ही स्टार्ट किया। अब बात ये आती है, अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मुझे ये क्या चाहिए, मुझे एज से बिल्कुल एंड तक वैल्यू चाहिए। अगर एज किस पे है हमारे पास, 1 पर है, तो अगर मैंने यहाँ पे लिखा 1 और यहाँ पे मैं कोई वैल्यू ना भी डालूँ एंड वाली, तो इसका मतलब वो एंड तक ही चलेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे वो एंड तक चल गया, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब ज़रा हम लोग आगे चलते हैं। अच्छा अब हमारे पास है कुछ के हम लोग ज़रा अपडेट और डिलीट करना सीख लें लिस्ट में, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे किया, एक पहले मार्कडाउन कर देता हूँ इसको, मार्कडाउन किया और मैंने क्या किया, अपडेट एंड डिलीट, डिलीट अ लिस्ट वैल्यू, ठीक है। जो लिस्ट के अंदर जो वैल्यूज़ हैं उसको अपडेट कैसे करते हैं और डिलीट कैसे करते हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे किया प्रिंट एम्प्लॉय 1, ठीक है। अब एम्प्लॉय 1 में मुझे दानिश को ना क्या करना है, क्या करना है इसको हमें अपडेट करना है, इस दानिश की जगह मुझे दानियल करना है इसका नाम, ठीक है। जो एम्प्लॉय का नेम हो गया कि गलत एंट्री हो गई थी, तो उसको चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वो पूरी की पूरी लिस्ट थोड़ी डिलीट करेंगे या नई लिस्ट थोड़ी क्रिएट करेंगे, क्या करेंगे उसी लिस्ट को हम लोग अपडेट करेंगे। अपडेट कैसे करेंगे, हम लोग यहाँ पे जाएंगे पहले एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 1 पे दानिश कौन से इंडेक्स पर है, 0 पर है, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे डालेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर, और असाइनमेंट ऑपरेटर में मैंने यहाँ पे लिख दिया दानियल, ठीक है, दानियल गौहर कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब दानियल गौहर, अब इसका असाइनमेंट ऑपरेटर का यहाँ पे क्या है, एम्प्लॉय 1 0 इंडेक्स पे, और असाइनमेंट ऑपरेटर का काम क्या होता है, जो राइट साइड वाली चीज़ होती है वो लेफ्ट साइड में जाके सेव करवा देता है, ठीक है। तो उसने क्या किया, दानियल गौहर किस में जाके सेव करवा दिया या अपडेट करवा दिया, किस में, एम्प्लॉय 1 0 इंडेक्स पे। अब मैं ज़रा इसको दोबारा यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूँ, तो मैं देखूँ यहाँ पे, देख रहे हो यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया, ये अपडेट हो गया, ठीक है। अब आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है ऐसे ही, कि आप इसकी सैलरी अपडेट करोगे नेगेटिव इंडेक्सिंग यूज़ करके करना, मैंने पॉजिटिव से करी है, आप नेगेटिव से करोगे,
ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अच्छा जी, अब बात ये आती है कि मैं यहाँ पर एक और चीज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अब मेरे पास एक है, अगर मुझे पास एक मुझे एक वैल्यू पता है, इस लिस्ट में एक वैल्यू है जो है 21। सपोज ये जो एम्प्लॉय वन की जो वैल्यू है, इसके एम्प्लॉय वन की जो लिस्ट है उसके अंदर एक वैल्यू है 21, लेकिन मुझे ये नहीं पता वो कौन से इंडेक्स नंबर पर है, ठीक है। ले और मुझे लिस्ट देखनी भी नहीं है, मुझे काउंट भी नहीं करना, बहुत बड़ी लिस्ट है, सपोज़ कर लो कि बहुत बड़ी लिस्ट है, लेकिन वो 21 मेरे कौन से इंडेक्स नंबर पर रिलाई कर रही है, सही है। तो वो हम लोग कैसे पता कर सकते हैं, पाइथन के थ्रू। इधर तो हम लोग खुद मैन्युअली कर रहे हैं ना, 0 1 2 3, लेकिन हम लोग पाइथन के थ्रू कैसे करेंगे, हम लोग कैसे ऐसे करेंगे जैसे एम्प्लॉय वन, ठीक है, एम्प्लॉय वन डॉट इंडेक्स एक हमारे पास मेथड है, ठीक है, और उसमें हम लोग यहाँ पे डाल देंगे इस इंडेक्स के अंदर पैरेंथेसिस के अंदर वो वैल्यू डालेंगे जो हमें पता करनी है ये कौन से इंडेक्स पे मौजूद है। तो मैंने मुझे 21 पता करना है, तो मुझे ये बता देगा ये कौन से इंडेक्स नंबर पे रिलाई करती है 21 वाली वैल्यू, कौन से इंडेक्स नंबर। तो मैं इसको प्रिंट करवा लेता हूँ, सही है। तो इसने मुझे बता दिया कि ये 1 इंडेक्स नंबर पे रिलाई करती है। अगर हम लोग चेक कर लें, देखो 0 1 बिल्कुल सही बता रही है। और अगर हम लोग इसको प्रिंट करा के भी चेक कर लें, अगर मैंने यहाँ पे लिखा एम्प्लॉय 1 तो ये मुझे बता रहा है 21, ठीक है। अब यहाँ तक आपको बात क्लियर है। अब मुझे क्या करना है, इसी को अपडेट करना है, इस 21 जो एज है अब इसको मुझे एज करना है 22। तो मैं क्या करूँगा, ठीक है, अब मैं यहाँ पर कर रहा हूँ एम्प्लॉय 1, ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिखा बॉक्स ब्रैकेट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 1 लिख दूँ तब भी बात क्लियर है, सही है, कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा इसको डायनेमिक करना चाहता हूँ, ठीक है। अगर मैं यही वाला कोड, ये वाला कोड मुझे क्या रिटर्न कर रहा है, 1 रिटर्न कर रहा है, सही है, क्योंकि वो चेक कर रहा है कि 21 किस पे है और वो सही वैल्यू सही इंडेक्स नंबर इधर हमें रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब मैं जब यहाँ पे ये लिखूँगा तो ये मुझे यहाँ पर क्या रिटर्न करेगा, 1 रिटर्न करेगा, लेकिन ये डायनेमिक हो गई वैल्यू, ठीक है। एम्प्लॉय 1 के अंदर ये क्या है, मुझे जो भी ये 21 किसी भी इंडेक्स नंबर पे रिलाई कर रही होगी वो वैल्यू, वो वाला इंडेक्स नंबर मुझे यहाँ पे वो रिटर्न कर देगा, वो यहाँ पर आ जाएगी और उसको मैं यहाँ पे अपडेट कर दूंगा 22, ठीक है। और मैंने इसको क्या किया, प्रिंट एम्प्लॉय 1, तो यहाँ पर देखो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू 22 हो गई, ठीक है। मुझे लगता है यहाँ पर आपको बात समझ आ गई होगी, ठीक है। अब यहाँ पर आगे हमने अपडेट की बात कर ली, हमने अपडेट कर लिया, अब ज़रा मैं डिलीट की बात कर लूँ, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि हम लोग यहाँ पर एक वैल्यू बना रहे हैं, क्या सपोज़ के यहाँ एम्प्लॉय 1 में ही हम लोग इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है, या एक पहले अपेंड करवा लेते हैं वैल्यू और उसी को डिलीट करेंगे, ठीक है। एम्प्लॉय अपेंड करवाया मैंने यहाँ पे, सॉरी अपेंड, और यहाँ पे मैंने अपेंड करवा दिया कराची, ठीक है, ओके। अब मैं कराची को डिलीट करना चाहता हूँ एम्प्लॉय 1 में से, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ एम्प्लॉय 1 के अंदर मेरे पास यहाँ पर कराची भी आ गया, ठीक है। अब मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, एम्प्लॉय 1 डॉट पॉप, ठीक है, डॉट पॉप लगा दिया, और इस पॉप के अंदर मुझे इंडेक्स नंबर देना होता है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इंडेक्स नंबर दे दिया, इसमें पॉजिटिव इंडेक्स नंबर भी दे सकते हो, नेगेटिव भी दे सकते हो, सही है। तो नेगेटिव का काम तो आप खुद ही करोगे, ठीक है, तो कैसे करेंगे कि यहाँ पे आया माइनस सॉरी 0 1 2 3 और 4। अब मैंने यहाँ पे 4 दिया और मैं इसको प्रिंट करवा लूँ एम्प्लॉय 1 को, और मैं चेक कर लूँ कि ये मेरे पास रिमूव हुआ है या नहीं। तो ये देखो मेरे पास कराची यहाँ से रिमूव हो गया, क्योंकि यहाँ पे मैंने इंडेक्स नंबर डाला था, सही है। 4 इंडेक्स नंबर पे जो भी वैल्यू होगी होगी वो पॉप रिमूव कर देगा, ठीक है। अब इसी तरीके से मैंने यहाँ पे क्या किया, इसी तरीके से मैंने अब यहाँ पर क्या किया, ये तो मैंने इंडेक्स नंबर से इसको रिमूव करवाया, ठीक
ठीक है। अब लेकिन मैं क्या करवाना चाहता हूँ, मैं डॉट रिमूव से इसको रिमूव करवाना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं कैसे करूँगा, मैं करूँगा ऐसे कि मैं एम्प्लॉय वन, ठीक है, डॉट रिमूव। अब मुझे, अच्छा मैं पहले क्या करता हूँ, सॉरी मुझे पॉज करनी पड़ी थी वीडियो क्योंकि अजान हो रही थी, ठीक है। चले हम लोग कहाँ पर थे, अच्छा हमने डॉट पॉप से इसको हमने रिमूव किया था इंडेक्स नंबर के थ्रू, ठीक है। इंडेक्स नंबर जो भी हम लोग पॉप के अंदर इंडेक्स नंबर डाल लेते थे वो उसको रिमूव कर दे रहा था, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, मैं पहले इसको दोबारा पेंट करवा लेता हूँ, कराची को दोबारा पेंट करवा लेता हूँ, ठीक है। और प्रिंट करवा दिया मैंने एम्प्लॉय वन को, दोबारा प्रिंट करवा दिया, तो देख रहे हो कराची आ रहा है। अब मैं इसको रिमूव करवाना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं कैसे कराऊँगा, तो ऐसे कराएंगे एम्प्लॉय वन डॉट रिमूव, ठीक है, डॉट रिमूव किया। और रिमूव के अंदर हम लोग वैल्यू डालते हैं, हमें कराची को रिमूव करना है, तो मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ से। तो ये मुझे इस एम्प्लॉय वन में जो कराची वाली वैल्यू होगी उसको वो रिमूव कर देगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ रही है, वो इसको रिमूव कर देगा, ठीक है। अब देखो उसने रिमूव कर दिया, ठीक। पॉप और रिमूव में फ़र्क क्या है, पॉप इंडेक्स नंबर से रिमूव करता है और डॉट रिमूव वैल्यू से रिमूव करता है, ठीक है। ये वाली वीडियो यहीं तक रखते हैं, ठीक है। हमारे पास लिस्ट ऑफ फॉर लूप का कॉन्सेप्ट है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उस पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।